में इस वक्त महायुति जीत की ओर आगे बढ़ रही है और लगभग लगभग जीत की ओर पहुंचने वाली है। वहीं महाविकास अघाड़ी अब अपने आंकड़े को जीत के आंकड़े को छू नहीं पाई है और वहीं कुछ सीटों पर उसने संतोष कर लिया है और अन्य जो है वो 7 से 8 सीटों पर ही सिमट कर रह गए हैं। झारखंड में हेमंत सोरेन की जीत लगभग लगभग निश्चित है और बीजेपी ने 30 से ऊपर सीटों पर बढ़त बनाई हुई है। 30 सीटों से ऊपर बीजेपी काबिज हो गई है। तो और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर अपनी जीत जो है वो निश्चित कर ली है। समाजवादी पार्टी 1 सीट करहल सीट पर जीत चुकी है और 1 सीट पर बढ़त बनाए हुए है। लेकिन इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ लखनऊ से बीजेपी मुख्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और अपनी जीत की बातें जो है और जीत की रणनीति जो है वो प्रेस के माध्यम से साझा कर रहे हैं। क्या लगता है प्रिया, उत्तर प्रदेश की मुखिया के चेहरे पर इस वक्त जो नूर नजर आ रहा है वो जीत का जो है एक जीत का स्वाद चखने जैसा साफ तौर पर दिख रहा है। लोकसभा चुनावों के दौरान जो परिणाम थे उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के चेहरे पर जो थोड़ी सी मायूसी थी कि इस बार तो बस नैया पार हो गई किसी तरीके से, लेकिन इस बार जो चेहरे पर जो खुशी दिख रही है वो साफ दिखा रही है कि इस बार बीजेपी जो है वो अपने दम पर और बहुमत से जो है चुनाव उपचुनाव जीत चुकी है। क्या लगता है प्रिया? बिल्कुल, जब ये नारा बना कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार भाजपा सरकार, तब से हर बार यही दो नारे बहुत ज्यादा लिए जाते रहे कि अब की बार मोदी सरकार, अब की बार बीजेपी सरकार, अब की बार योगी सरकार। लेकिन लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए या फिर पूरे लोकसभा चुनाव की बात कर ली जाए, उस वक्त केवल यही बात सामने आ रही थी कि लग रहा है और वही हुआ भी कि अब की बार तो बस नया पार। लेकिन इस नारे को एक बार फिर से जो है बीजेपी ने जो है फिर से जिंदा कर दिया है कि अब की बार एक बार फिर से भाजपा सरकार। तो कुछ उसी तरीके का परिणाम जो है वो नजर आ रहा है, चाहे वो महाराष्ट्र की बात कर लें, चाहे यूपी उपचुनाव की बात कर लें। हालांकि झारखंड में बीजेपी कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन महाराष्ट्र में जो नतीजे सामने आए और जो यूपी उपचुनाव में नतीजे सामने आए वो काफी ज्यादा दिलचस्प रहे। रही बात योगी आदित्यनाथ की, तो देखिए योगी आदित्यनाथ के लिए ये डबल जो है खुशी का मैं कहूंगी कि जरिया है कि महाराष्ट्र में जहां एक और उनका नारा हिट हो गया तो वहीं यूपी उपचुनाव में भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। तो मुझे लगता है कि ये डबल खुशी उनके चेहरे पर शायद कहीं ना कहीं नजर इस वक्त आ रही है कि महाराष्ट्र में भी उन्होंने कमाल कर दिखाया। महाराष्ट्र में उनके नारे की वजह से जो है बीजेपी जिस तरीके से सीटों पर बढ़त बनाई हुई है, जिस तरीके से महायुति बढ़त बनाई हुई, लेकिन महायुति में का जो गठबंधन है उसमें भी सबसे ज्यादा सीटों पर जो है बीजेपी ने जीत का आंकड़ा अपना सेट कर लिया है। बीजेपी 132 सीटों पर आगे है महायुति में, जबकि जो शिवसेना है शिंदे गुट की वो 53 सीटों पर आगे है। एनसीपी 44 और अन्य को 3 सीटें मिली हुई। ये जो आंकड़ा है वो पूरी तरीके से बयां कर रहा है कि महाराष्ट्र की जीत में बीजेपी का शेयर क्या है। वहीं अगर यूपी की बात करें तो यूपी में तो जीत योगी की है ही, तो ये जो खुशी है वो डबल खुशी है, इसीलिए उनके चेहरे पर इस तरीके से झलक रही है। बिल्कुल प्रिया, और जिस तरीके से जो हम तस्वीर देख पा रहे हैं इस वक्त बीजेपी मुख्यालय में, जैसे कि सीएम योगी के बगल केशव प्रसाद मौर्य खड़े हैं, तो आपको वो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव याद होंगे जब सीएम योगी के साथ जो है होली खेली जा रही थी, जीत के परिणाम आए थे और बगल में केशव प्रसाद मौर्य खड़े थे। बिल्कुल वैसे ही आज बगल में केशव प्रसाद मौर्य हैं और सीएम योगी हैं। और अब जिस तरीके से जो तस्वीर निकल रही है केशव प्रसाद मौर्य के साथ में आने की, वो कहीं ना कहीं अब ये दिखा रही है कि योगी जो हैं वो हार मानने वालों में से नहीं है और ना ही किसी भी तरीके से मायूस होने वालों में से हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जो कुछ समय पहले तक संगठन को बता रहे थे कि संगठन पार्टी से भी बड़ा है, वो आज कहीं ना कहीं जो उनका वो बात है वो पिछड़ती नजर आ रही है। वो इस वक्त सीएम योगी के साथ खड़े हैं, ये दिखा रहा है कि अब सीएम योगी के साथ खड़ा होना भी जरूरी हो गया है। बिल्कुल, केशव प्रसाद मौर्य के बारे में कहा जाता है कि खासकर योगी आदित्यनाथ के साथ इनका 36 का आंकड़ा रहता है, हमेशा ऐसी बातें सामने आती हैं। कई बार रैलियों में भी वो ऐसा बोलते हुए आए हैं, कई जो उन्होंने ये बात बोली कि आरएसएस जो है, जो संगठन है वो जो है बीजेपी से भी बड़ा है, वो किसी भी पार्टी से बड़ा है, तो इसका सीधे तौर पर कनेक्शन जो है सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ फिट कर दिया गया कि वो उनको एक तंज कस रहे हैं कि वो ये ना सोचें कि पार्टी की कमान केवल और केवल उनके हाथों में,
क्योंकि संगठन भी अपना रोल कहीं ना कहीं अदा करेगा। लेकिन जब भी जीत होती है देखना बहुत रोचक होता है कि वो खुद तो कहीं जीत जो है बहुत मुश्किल से पाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य की बात की जाए तो बहुत मुश्किल से उनको जीत जो है नसीब होती है। कभी भी सपा की प्रत्याशी की से भी उनको बहुत विधानसभा चुनाव में बहुत करारी शिकस्त मिली थी। फिर भी उप मुख्यमंत्री हैं बीजेपी के, लेकिन जिस तरीके से जीत में वो साथ खड़े रहते हैं वो देखना काफी रोचक हो जाता है। बिल्कुल। और अगर हम इन सबसे इतर प्रिया वायनाड सीट की बात करें तो प्रियंका गांधी वहां काफी बड़े अंतर से जीत चुकी हैं। तो मुझे लगता है प्रिया उत्तर प्रदेश में रायबरेली सीट और ये वायनाड सीट, ये दो सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस का गढ़ है थी है और मुझे लगता है आगे भी रहने वाली है, क्योंकि इन सीटों से कांग्रेस को हराना लगभग लगभग नामुमकिन सा होता जा रहा है। क्योंकि वायनाड से राहुल गांधी लड़ते थे तो वो भी काफ़ी अच्छे मतों से और काफ़ी ज़्यादा अंतर से जीतते थे। अब प्रियंका गांधी को वहां से बल्कि चुनावी डेब्यू कराया गया, इससे पहले कभी उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। तो एक ही आशंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस की जो ये फैसला है, जो ये स्ट्रैटेजी है, वो कहीं ना कहीं पिछड़ जाए और कहीं ना कहीं कांग्रेस को मुंह की खानी पड़े। लेकिन प्रियंका गांधी ने कांग्रेस के मंसूबों पर बिल्कुल भी पानी नहीं फेरा, जोरों शोरों से प्रचार किया और आज जैसे राहुल गांधी जीतते थे बिल्कुल अपने भाई के जैसे ही प्रियंका गांधी ने भी आज वायनाड से एक प्रचंड जीत हासिल की है। तो क्या लगता है प्रिया कि इन सीटों पर, हालांकि जब वायनाड में आपदा आई थी काफी ज्यादा तो वहां प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और काफी उन्होंने जो है मदद, लोगों का मदद करने का आश्वासन दिया, निरीक्षण किया था जमीनी स्तर पर जाके, तो ये लग रहा था कि शायद अब बीजेपी कड़ी टक्कर जो है वो दे सकती है। लेकिन ऐसा लगता है ये जो तस्वीरें आई प्रियंका गांधी के चुनाव की मतगणना की तो ये बताती है कि कांग्रेस को हराना उसके गढ़ में इतना आसान होगा नहीं। बिल्कुल, रायबरेली हो चाहे वायनाड हो, जिस तरीके से देखिए वायनाड में आपदा आई हो, पीएम मोदी वहां पहुंचे, उस चीज को ये रणनीति माना जा रहा था कि जहां एक तरफ राहुल गांधी ने वायनाड सीट को छोड़ दिया, जहां एक तरफ उन्होंने रायबरेली सीट को चुना, तो बीजेपी ऐसा अंदाजा लगा रही थी कि कहीं ना कहीं वायनाड की जो जनता है वो कांग्रेस से खफा होगी कि चेहरा तो किसी और का और फिर उसके बाद उस सीट को छोड़ दिया, अपने चेहरे के साथ चुनाव में उतरेगी। लेकिन जब इस चीज को कांग्रेस भी भाग गई कि अगर हमने कोई भी हल्का प्रत्याशी वायनाड से अगर इस वक्त उतार दिया तो कांग्रेस की जो जीत है वो बिल्कुल ही दूर चली जाती है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ता। इसीलिए कांग्रेस के पास ये चुनौती थी कि वो एक ऐसा कैंडिडेट लेकर आए जो राहुल गांधी के बिल्कुल पैटर्न पर खड़ा उतर सके और साथ ही साथ जो है राहुल गांधी के साथ उसकी जो मैं कहूंगी कि अगर कोई कंपेयर करे तो राहुल गांधी के एकदम बराबर कोई खड़ा हो सके, तो वो प्रियंका गांधी से बेहतर कोई और नाम नहीं था, क्योंकि सोनिया गांधी लड़ नहीं सकती और जो गांधी परिवार का जो बचा हुआ सदस्य वो केवल प्रियंका गांधी थी और उन्होंने जो डेब्यू किया वो बहुत ही जबरदस्त तरीके से किया और अब वो संसद में बैठेंगी। महिलाओं की आवाज हो, चाहे उनका दावा है कि चाहे वायनाड की आवाज हो या देश भर में किसी भी मुद्दे पर आवाज हो, वो अपनी आवाज बुलंद करेंगे। लेकिन ये बात तो इस जीत के बाद तय हो जाती है कि रायबरेली और केरल की वायनाड सीट कहीं ना कहीं अभी भी कांग्रेस का गढ़ जरूर बनी हुई है। जहां पूरे देश पर बीजेपी ने अपना एकाधिकार जमाने की अच्छी कोशिश की है, वहीं अभी भी ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी की पहुंच काफी दूर नजर आती है। बिल्कुल। और प्रिया कानपुर की सीट की, सीसामऊ सीट की अगर हम बात करें तो वहां पर समाजवादी पार्टी ने एक काफी अच्छा जो फैक्टर लगाया, जो रणनीति बनाई वो काफी सोची समझी थी, क्योंकि जिस तरह से इरफान सोलंकी जेल में थे और उनकी पत्नी को प्रत्याशी बना के मैदान में उतारा, उसका फायदा समाजवादी पार्टी को सीसामऊ सीट पर तो मिलता दिखा। इरफान सोलंकी जिनको हालांकि बेल मिल गई है लेकिन फिर भी अभी वो जेल से बाहर नहीं आए हैं क्योंकि उनकी सदस्यता रद्द हो चुकी थी, तो ऐसे में वो चुनाव तो लड़ नहीं सकते। लेकिन उनकी पत्नी नसीम सोलंकी जो कि चुनाव लड़ी और जीत गई है काफी अच्छे मतों से, तो ऐसे में अब क्या माना जा रहा है कि ये जो एक सिंपथी कार्ड जो सपा ने खेला है वो सीसामऊ पे काम आया है। हालांकि सीसामऊ से जो बीजेपी प्रत्याशी थे वो फैसला आने से पहले ही मैदान छोड़कर, यानी कि मतगणना स्थल से वो चले गए थे, उनको पूरी उम्मीद थी कि यहाँ से अब वो जीत नहीं पाएंगे तो वो मतगणना स्थल से चले गए। लेकिन सीसामऊ में जो जीत हासिल हुई है इरफान सोलंकी की पत्नी को, क्या वो सिंपथी कार्ड हो सकता है या फिर उनके किसी काम को लेके, उनके प्रचार को लेके, उनके किसी बयान को लेके या उनके किसी वादों को लेके जनता ने उन पर भरोसा जताया है, या सिर्फ ये सिर्फ और सिर्फ एक सिंपथी कार्ड है?
देखिए, अगर राजनीति में सिंपति की बात करें ज्योति, तो बहुत पुराने समय से ये चला आ रहा है कि ये कार्ड बहुत काम का है। चाहे कोई जेल में हो, चाहे कि कोई जो है ना रहा हो इस दुनिया में, इस तरीके के जो सिंपति कार्ड होते हैं वो राजनीति में पार्टियों के लिए बिल्कुल संजीवनी बनकर सामने आते हैं। अब देखा जाए तो रामपुर की बात कर ली जाए तो अभी उपचुनाव थे, तो उससे पहले सभी को जो है कहीं ना कहीं जो है उन लोगों की याद आ गई जो जेल में थे, कितने सपा के नेता थे, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई जो एक कहते हैं ना कि सिंपैथी कार्ड को जो है जरूर खेलते हुए नजर आते। तो मुझे पूरी तरीके से विश्वास बस इसी बात का है कि कहीं ना कहीं सिंपैथी जरूर काम आती है। जनता को इमोशनल कैसे टारगेट करना है, पार्टियों को अगर ये चीज आती है तो कहीं से कोई भी चुनाव का रुख जो है वो बिल्कुल मोड़ा जा सकता है। बिल्कुल। और एक बार फिर से अगर हम सीएम योगी की बात करें तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम योगी यह कह रहे हैं कि एक बार फिर से उन्होंने अपने उसी नारे को दोहरा दिया है। उनका कहना है, बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यानी कि जिस नारे ने हरियाणा में जीत दिलवाई, जिस नारे ने महाराष्ट्र में प्रचंड जीत दिलवाई, जिस नारे ने उत्तर प्रदेश में प्रचंड जीत दिलवाई, 9 में से 7 सीटों पर बीजेपी जीत की ओर बढ़ रही है, तो उसी नारे को आज एक बार फिर से प्रदेश के मुखिया ने दोहराया है और जनता को जो है एक तरह से एक धन्यवाद ज्ञापित किया है जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है। लेकिन अगर हम समाजवादी पार्टी में अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव के बयान की ओर जाएं तो उनका कहना था, अभी उनका कहना है, जल्द ही में बयान आया उनका, उनका कहना है कि हमारे लोगों को वोट नहीं करने दिया गया, मतदान केंद्रों तक पहुंचने नहीं दिया गया। तो हालांकि ऐसी खबरों की कोई भी पुष्टि हम नहीं करते क्योंकि ऐसी घटनाएं आई नहीं सामने कि किसी को मतगणना स्थल पर जाने से रोका जा रहा हो। तमाम हमारे जो जहां जहां उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर चुनाव हुए, हमारे मतदाता मतदान स्थलों पर मौजूद थे वोटिंग एरिया में, और वहां वो बकायदा ये बता रहे थे, उनसे जब पूछा गया कि ऐसी क्या कोई ऐसी घटना है, तो उनका साफ तौर पर कहना था कि ऐसी कोई भी घटना नहीं हुई है, सभी बकायदा जा रहे हैं वोटिंग करने। और हाँ, मैनपुरी की सीट पर ये कहा जा रहा था कि वोटिंग जो है वो कम हुई है, वोटिंग प्रतिशत पिछले चुनावों के मुकाबले, लेकिन ऐसी कहीं से भी कोई खबर नहीं आई कि किसी को मतदान करने से रोका जा रहा है। तो फिर ये विपक्ष क्यों कह रहा है कि हमारे लोगों को मतदान करने से रोका गया? विपक्ष ये मानने को तैयार नहीं है, सपा ये मानने को तैयार नहीं है कि उसका जो आत्मविश्वास है वो अति आत्मविश्वास में परिवर्तित हो गया। चुनावों के मतगणना से पहले ही, काउंटिंग से पहले ही अपनी जीत सुनिश्चित कर दी पोस्टर के माध्यम से। चुनावों से पहले ही इतना आत्मविश्वास बढ़ गया कि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं देने का जो है मन बना लिया, अकेले अपने बूते चुनाव लड़ने का मन बनाया। भारतीय जनता पार्टी के सामने विपक्ष पहले ही समझ चुका था कि इतनी बड़ी पार्टी के सामने अकेले चुनाव लड़ना इतना संभव नहीं है, और अगर लड़ भी लिया तो जीत संभव नहीं है या इतनी सुनिश्चित नहीं है कि हम सारी की सारी जीते या बहुमत से जीत जाए। उसके बावजूद जब लोकसभा चुनाव में विपक्ष ने एकजुट होकर आया और जो प्रदर्शन किया, उसके बाद उपचुनावों में इस प्रकार का जो विपक्ष का निर्णय है वो ये बता रहा है कि उनका निर्णय कहीं ना कहीं गलत साबित हुआ है। लेकिन उसके बावजूद विपक्ष की ये बयानबाजी कि हमें चुनाव ने हमें हमारे लोगों को मतदान करने नहीं दिया गया, हमारे क्षेत्र में जो मतगणना स्थल मतदान स्थल थे, वोटिंग एरिया थे, वहाँ लोगों को जाने नहीं दिया गया, वोटिंग नहीं करने दी, तो इस प्रकार की बयानबाजी मुझे लगता है लोकतंत्र को कहीं ना कहीं जो है वो क्षीण करने पे, लोकतंत्र की ओर सवाल उठाने में पैदा करती है। क्योंकि ये लोकतंत्र का महापर्व है प्रिया, और इस पे सबकी भागीदारी बराबरी की रहती है, चाहे वो एक आम आदमी हो या फिर सभाएं करने वाला नेता ही क्यों ना। बिल्कुल, देखिए ये तो सवाल उठाए जाते हैं, मैंने पहले भी कहा कि विपक्ष की ये रणनीति है कि सवाल तो उठाने ही है, जब हार नजदीक हो तो उसके लिए उत्तर भी देना होगा ना जनता को कि हारे क्यों, तो उसके लिए बहुत जरूरी हो जाता है इन लोगों के लिए कि ये एक नया सवाल जरूर लेकर आए। हालांकि विपक्ष का काम भी यही है, सवाल पूछना, और वही पूछते हुए विपक्ष नजर आ रहा है। लेकिन अगर झारखंड के आंकड़ों पर आप गौर करेंगी ज्योति, तो समझ पाएंगी 81 सीटों पर 57 सीटें जो है वो बीजेपी जो है जो इंडिया गठबंधन है वो अपने पाले में ले चुकी है, और बीजेपी जो है वो 23, यानी कि जो एनडीए का गठबंधन है वो 23 सीटों पर है, और जो इंडिया का गठबंधन है वो 57 सीटों के आसपास है। सोचिए
लिए वहां ईवीएम का मुद्दा क्यों नहीं आ रहा, वहां क्यों नहीं कहा जा रहा है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हुआ है जो है वहां के मतदान में। जहां जीत रही है वहां मतदान में कोई गड़बड़ी नहीं, जहां हार रही है चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो चाहे वो यूपी की बात हो, वहां विपक्ष जरूर आवाज उठाता है। स्वरा भास्कर सामने आ गई और जहां उनके पति पीछे होते हुए नजर आए उन्होंने तुरंत ईवीएम पर सवाल उठा दिया। महाराष्ट्र में ईवीएम और ईवीएम का मुद्दा चल रहा है, चाहे वो एनसीए जो शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट हो, चाहे संजय राउत हो, चाहे उद्धव ठाकरे हो, सबके सब यही कहते नजर आ रहे हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, ये जनता का फैसला नहीं है। यही जो है यूपी उपचुनाव में भी हो रहा है, डिंपल यादव हो, अखिलेश यादव हो या कोई भी विपक्ष का नेता हो, वो यही एक बात कह रहा है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई है, मतदान में गड़बड़ी हुई है, लोगों को मतदान करने जाने नहीं दिया गया है। ऐसे कई सवाल जो है चाहे वो ईवीएम को हो या फिर मतदान के समय गड़बड़ी हो, दोनों ही राज्यों में आपको सिमिलर दिखेंगे, लेकिन झारखंड में आपको ऐसी खबरें नहीं दिखेंगी क्योंकि झारखंड में इंडिया गठबंधन जीत रहा है, वहां नजारा कुछ और है, वहां ईवीएम का मुद्दा नहीं उठ रहा है, वहां मतदान में कोई गड़बड़ी नहीं हुई, वहां बहुत ही क्लियरिटी के साथ चुनाव के नतीजे आ रहे हैं, किसी को कोई आपत्ति नहीं हो रही है, जो पीछे चल रहा है वो मान रहा है कि हम पीछे हैं, जो आगे है वो मान रहा है हम आगे। क्यों ये बड़ा सवाल है कि उन्हीं राज्यों में ऐसे सवाल, उन्हीं राज्यों में ऐसे जो है गड़बड़ियां सामने आने की बात कही जाती है जहां विपक्ष हार रहा होता है, तो ये जनता कहीं ना कहीं समझ भी रही है ये चीजें। वरना भी अगर हम ताजे आंकड़ों पर बात करें तो झारखंड का जैसे मैंने बताया कि 81 सीटों पर 57 से ज्यादा सीटों पर इंडिया गठबंधन आ गए, तो वहीं 23 सीटों पर एनडीए है और अदर जो है वो तकरीबन एक सीट पर कहीं बढ़त बनाए हुए है। वहीं अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जीत ही चुकी है महायुति, 227 सीटों पर आगे है महायुति 288 में, और जो एमवीए है वो केवल 54% पर अटका हुआ है। बिल्कुल, और इसी बीच एक और बड़ी खबर अंबेडकर नगर से सामने आ रही है। जीत हासिल कर ली है, बिल्कुल जैसे कि मैंने आपको प्रिया बताया कि भाजपा 7 सीटों पर लगातार बढ़त बनाए और एक एक करके अब जिन सीटों पर बढ़त है उन पर जीत सुनिश्चित होती जा रही है। तो ये तो सीएम योगी की प्रेसवार्ता से ही समझ में आ रहा है कि अब उन्हें जो नतीजों की तस्वीर है वो साफ होती दिख रही है। और एक बात यहाँ और खास है प्रिया, कि सीएम योगी जब भारतीय जनता पार्टी जीतती है किसी भी चुनावों में, विधानसभा चुनाव हो या उपचुनाव हो, तो देश के मुखिया का नाम लेना वो भूलते नहीं। वो हमेशा इस बात का जिक्र करते हैं कि जो ये चुनाव है, कोई भी चुनाव हो, वो पीएम के नेतृत्व में लड़ा गया और उनके नेतृत्व में जीता गया। तो ये खास बात है सीएम योगी की कि वो अपनी कोई भी जीत हो वो उसका श्रेय सिर्फ खुद को नहीं देते। बिल्कुल, वो ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का आभार, सभी ने मेहनत की, सभी ने काम किया जिसका नतीजा आज ये है। साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि पीएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया। तो ये कुछ खास बातें हैं जो सीएम योगी को खास बनाती है। बिल्कुल, इसका जवाब दूंगी, लेकिन उससे पहले यूपी से जो इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है वो मैं आपको बता देती हूँ। करहो चुनाव की सीट है, वहां से बीजेपी को कहीं ना कहीं करारी हार का सामना करना पड़ा है और सपा यहां से जीती है। हालांकि तब भी बीजेपी के लिए अच्छी बात यह है कि बाकी सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। और रही बात जो थी, जो आप कह रही थी कि पीएम मोदी को श्रेय देने की, तो देखिए मैंने पहले भी कहा है कि चेहरा बहुत जरूरी होता है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। इस वक्त बीजेपी की जब भी बात आती है कुछ चेहरे सबसे पहले नाम जिनके लिए जाते हैं उनमें पीएम मोदी और सीएम योगी का नाम सबसे पहले, ये जो जोड़ी है वो काफी ज्यादा फेमस हो चुकी है। रही बात चाहे किसी भी राज्य में चुनाव हो, चाहे किसी भी राज्य में उपचुनाव हो, पीएम मोदी का जो श्रेय है वो हमेशा मुख्यमंत्री या फिर कोई भी बड़ा नेता लेता हुआ नजर आता है। ये दर्शाता है कि एकता कितनी है, ये दर्शाता है कि अपने नेताओं, हमारे जो नेता हैं उन्हें अपने नेताओं पर कितना भरोसा है। जनता इस तरीके से, इस नजरिए से सोचती है। पीएम मोदी का नाम आगे रख के ना जाने कितने राज्यों का बेड़ा पार हुआ है, तो ऐसे में श्रेय जो है वो बनता है और राज्यों को जीत दिलाने। और ऐसा नहीं है कि केवल नाम ही लेते हैं, अगर देखा जाए ज्योति, तो चाहे राज्य महाराष्ट्र रहा हो, चाहे झारखंड रहा हो, चाहे कभी भी यूपी का विधानसभा रहा हो या कोई भी
जो है लोकसभा का चुनाव रहा हो, हर राज्य में पीएम मोदी जो है ये कोशिश करते हैं कि वो वहां जाएं, वहां के उम्मीदवारों के लिए पर्सनली वोट मांगे, जनता के साथ जुड़े, जनता से कई वादे करें, जनता की समस्याओं को सुने, तो वो ऐसा करते हैं और कहीं ना कहीं इसी वजह से जो है बीजेपी को कई जगहों पर जीत हासिल होती है, तो श्रेय देना तो देखिए बनता है। बिल्कुल। और अगर हम प्रिया झारखंड की बात करें तो झारखंड में इंडिया गठबंधन जीत रहा है। बिल्कुल। तो क्या लगता है झारखंड से इंडिया गठबंधन जीत रहा है तो वहां से सीएम क्या हेमंत सोरेन ही रहेंगे, उन्हीं को सीएम की कुर्सी दी जाएगी या फिर कोई और भी इस रेस में आगे आ सकता है, क्योंकि गठबंधन है अपने बलबूते जो है उतनी सीटें नहीं है, जैसे कि महाराष्ट्र में बीजेपी जो है अपने दम पे 132 सीटें जीत चुकी है, तो ऐसे इंडिया गठबंधन में अभी ये नहीं कहा जा सकता। तो क्या लगता है इंडिया गठबंधन से कौन प्रत्याशी जो है वो सीएम की रेस में आगे आता हुआ नजर आएगा या फिर हेमंत सोरेन ही है जो है झारखंड की कुर्सी पर काबिज रहने वाले हैं? देखिए, झारखंड में हेमंत सोरेन की बात कर ली जाए, जेएमएम की बात कर ली जाए, ये ऐतिहासिक जीत है। हमेशा बदलाव की ओर रुख करने का जो है बीजेपी कोशिश करती है कि राज्य में बदलाव होगा, लेकिन राज्य में बदलाव नहीं हुआ, लगातार जो है हेमंत सोरेन जो है जीत की ओर बढ़ चुके हैं। तो बहुत बड़ा फैक्टर यही है कि हेमंत सोरेन का चेहरा, वो जेल गए, उसके बाद जिस तरीके से उनकी पत्नी कल्पना सोरेन मैदान में उतरी, उन्होंने पूरी जनता को साधा, एक जो फैक्टर होता है सिंपैथी फैक्टर वो भी उनके साथ जुड़ा। रही बात आदिवासी, तो देखिए आदिवासी राज्य, आदिवासी राज्य में आदिवासी मुख्यमंत्री ही अच्छा लगता है, तो बहुत साफ तौर पर समझा जा सकता है कि हेमंत सोरेन ही सीएम पद पर जो है विराजमान होंगे। अगर बीजेपी होती तो ये जरूर सवाल उठता, जरूर ये चर्चा का विषय बनता कि आखिर मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन झारखंड में जहां हेमंत सोरेन की जेएमएम जीत रही है तो मुख्यमंत्री शत प्रतिशत जो है हेमंत सोरेन ही बनेंगे। बिल्कुल। और अब ये बड़ा सवाल ये भी है कि आखिर शाम होने वाली है, 4:30 बज चुका है और शाम बस 1.5 घंटे का समय और है, और सभी पार्टियां जहां जहां ये सुनिश्चित होना बचा है कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, अभी सिर्फ बढ़त दिखाई जा रही है या फिर कोई प्रत्याशी पीछे चल रहा है, तो वो भी तस्वीर भी साफ हो जाएगी। और ऐसे में ये समझने वाली बात है कि महाराष्ट्र में जो देवेंद्र फडणवीस का नाम आगे आ रहा है सीएम की कुर्सी के, सीएम के चेहरे के तौर पे, तो क्या वाकई देवेंद्र फडणवीस बनेंगे या फिर महाराष्ट्र में किसी और पर जो है महायुति किसी और पर विश्वास जताएगी, किसी और को आगे करेगी? लेकिन हालांकि जो सूत्र बता रहे हैं, जो लगभग कंफर्म माना जा रहा है, वो देवेंद्र फडणवीस का ही नाम जो है माना जा रहा है। तो अब आने वाले समय में और आने वाले कुछ ही घंटों में ये पता चलेगा कि आखिर और क्या होने वाला है। और वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से प्रदर्शन किया, जिस प्रकार से सीएम योगी ने हर एक बीजेपी कार्यकर्ता की तारीफ की, उनकी सराहना की, उनका आभार व्यक्त किया, वो भी जो है अपने आप में एक काफ़ी सराहनीय जो है देखा जा रहा है सीएम योगी के तौर पे। और उनकी जो बयान आ रहे हैं, उन्होंने जो प्रेस को संबोधित करते हुए जो बातें कही हैं वो भी साफ नज़र आ रही हैं। और केशव प्रसाद मौर्य जो हर एक कार्यकर्ता को आभार जता रहे हैं, धन्यवाद दे रहे हैं, वो भी अपने आप में एक अच्छी जो है रणनीति के तौर पर, रणनीतिकार के तौर पर देखा जा रहा है कि कैसे वो हर एक कार्यकर्ता का आभार व्यक्त कर रहे हैं। तो अब आने वाले कुछ ही देर में ये पता चलेगा कि आखिर और क्या कुछ होने वाला है बड़ा, और क्या कुछ बयानबाजी होने वाली है, विपक्ष जब हारता है तो वो किस पर क्या आरोप लगाता है, और जो पार्टी जीत रही है वो किसको किसको इसका श्रेय दे रही है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए सी न्यूज भारत, कहीं जाइएगा मत, हम फिर से एक छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे आपके पास ताजा आंकड़ों के साथ। नमस्कार। आज उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में मतगणना शुरू हो चुकी है, और इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सामने आ रही है, जहां अंबेडकर नगर 277 कटहरी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना यहां प्रारंभ हो चुकी है, और अब देखना ये होगा कि आने वाले रुझानों में किसको बढ़त मिलती है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां 288 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, सुबह 8:30 बजे ईवीएम खुली। मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। शुरुआती रुझान में महायुति को बढ़त दिख रही है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार आगे चल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में मतगणना शुरू हो चुकी है, और इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर
उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सामने आ रही है, जहां अंबेडकर नगर 277 कटहरी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना यहां प्रारंभ हो चुकी है और अब देखना ये होगा कि आने वाले रुझानों में किसको बढ़त मिलती है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां 288 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, सुबह 8:30 बजे ईवीएम खुली। मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। शुरुआती रुझान में महायुति को बढ़त दिख रही है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार आगे चल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में मतगणना शुरू हो चुकी है और इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सामने आ रही है, जहां अंबेडकर नगर 277 कटहरी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना यहां प्रारंभ हो चुकी है और अब देखना ये होगा कि आने वाले रुझानों में किसको बढ़त मिलती है। बड़ी खबर महाराष्ट्र से है, जहां 288 विधानसभा सीटों पर मतगणना शुरू हो गई है। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती हुई, सुबह 8:30 बजे ईवीएम खुली। मुकाबला महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच है। शुरुआती रुझान में महायुति को बढ़त दिख रही है। सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजीत पवार आगे चल रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र में मतगणना शुरू हो चुकी है और इसी के साथ साथ एक बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर से सामने आ रही है, जहां अंबेडकर नगर 277 कटहरी विधानसभा उपचुनाव की मतगणना यहां प्रारंभ हो चुकी है और अब देखना ये होगा कि आने वाले रुझानों में किसको बढ़त मिलती है।